आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार में जारी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच जमुई जिले के मोरा पंचायत में मुखिया पद के लिए कांता प्रसाद सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि कांता प्रसाद सिंह वर्तमान में भी मुखिया पद पर काबिज है और इस चुनाव में भी उनको ग्रामीण जनता से मजबूत समर्थन मिल रहा है। पिछले कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा पूरे जिले में है। मोरा पंचायत की जनता एक बार फिर उन्हें मुखिया के रूप में देखना चाहती है, ऐसा उन्हें विश्वास है। नामांकन में उनके साथ आए समर्थकों ने उनके कार्यशैली, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा भाव की प्रशंसा की। कांता प्रसाद सिंह ने कहा कि वो अपने पंचायत के लोगों की सेवा करने के लिए फिर से तत्पर है। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी, मैं हूं आलोक राज। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भी भरना शुरू कर दिया है। आज कल से 16 सितंबर से तृतीय चरण का नामांकन शुरू हो गया। तृतीय चरण के में पढ़ने वाला है गिधौल प्रखंड से है मोरा पंचायत के मुखिया कांता प्रसाद सिंह। कांता प्रसाद सिंह ने आज हजारों जन समर्थन के साथ अपना नामांकन दाखिला किया है। आज हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आपको आदर्श भारत चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आप कामना करते हैं आदर्श भारत की ओर से कि आपको इस बार भी जीत मिले। आपके साथ इतना जनसंपर्क है, इतना जनसमर्थन है, आमतौर पर बहुत कम देखा जाता है कि जब वर्तमान कोई मुखिया होते हैं वो अपना नामांकन दाखिला करते हैं तो उनके साथ इतना काफिला नहीं होता है। आपके साथ इतना काफिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बावरा ग्राम पंचायत की जनता को आभार प्रकट कर रहा हूं कि इन्होंने इस धूप की कड़ी धूप में जन सैलाब मेरे साथ आए। मैंने आज समझा है कि मैं वास्तव में जनता का काम किया हूं और जनता मुझसे खुश है। और इसी तरह से जनता से मैं आग्रह करूंगा, जो जनता आगे सोचें। मैं व्यक्ति रूप से किसी तरह की कोई बातें अन्य लोगों की तरफ से नहीं करना चाहता हूँ। आप जनता के सामने ने विकास किया हूँ, जो मौलिक अधिकार था जनता को दिया है और सरकार का जो निर्देश था उसके अनुसार मैं काम किया हूँ। वह जो धरातल पर है उसी का कारण आज जन सैलाब मेरे साथ जनता का है। मैं जनता को काफ़ी आभार प्रकट कर रहा हूँ और तहे दिल से क्षमा मांग रहा हूँ कि अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हुई होगी वो क्षमा करेंगे और जनता फिर पुनः समर्थन दें। जो बचा हुआ काम है मैं जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा, इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे और मैं जनता का सेवा करता रहूंगा। आज आप अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आप जनता से बोलो क्या, अगर यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाती है फिर बहुमूल्य वोट देकर जन समर्थन के साथ, तो आप कौन कौन सा विकास का काम करेंगे, क्या आपका रोड मैप रहेगा इस बार? मेरे साथ जनता का जो कार्य होगा, सबसे पहले जो बचे हुए लोगों का है वृद्धा पेंशन, इसके बाद इंदिरा प्रधानमंत्री आवास। आज आवास के लिए मैंने SDO साहब से लड़ रहा हूँ, पुनः कुछ आवास कटा है जिसके चलते मैं दस्तखत नहीं किया हूँ, कटा नहीं है। और रोड, चार रोड मैं भारत सरकार और बिहार सरकार को दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ होगा। मैंने हर खेत को एक एक कॉल दे के पानी दिलवाया हूँ। जो बचा हुआ काम मैं जनता को सामने लाऊंगा, इसके लिए सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं सरकार से लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे DM हो, चाहे SDO हो, चाहे BDO हो, चाहे सरकार हो, जनता के लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जो जनता की आवश्यकता होगी मैं जनता को पूरा करूँगा। इस तरह से जनता हमको समर्थन दे। मैं इनकलाब जनता, मोरा की जनता जिंदाबाद। इस पंचायत चुनाव में अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जनता से अपील करूंगा, पुनः एक बार फिर बहुमूल्य वोट दें और मैं आपका जो बचा हुआ काम है मैं विकास करके दिखलाऊंगा। मैं यही जनता से उम्मीद कर रहा हूँ। पंचायत के मुखिया, ये वर्तमान मुखिया थे कांता प्रसाद सिंह जी, इन्होंने बताया कि मुझे जो 5 साल का शासन काल मिला उसमें मैंने मोरा एक बीमारू पंचायत था, बीमारू पंचायत से उठा के मैंने विकसित पंचायत बनाया। यहाँ पे सड़क हो, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बिजली हो, हर एक तरह का मैंने काम किया, चाहे वो हर एक तरह का काम किया। अगर इस बार मोरा की जनता फिर से दोबारा अपना बहुमूल्य वोट देके मुझे मुखिया चुनती है और मुझे काम करने का मौका देती है तो मैं इस बार अपने पंचायत को, अपने जिले में एक बेहतर नाम दूंगा और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। मैं आलोक राज, आदर्श वाले TV जमुई।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।